LCD में तकरीबन 3000 से ज़्यादा डिज़ाइनिंग मौजूद होती हैं। कस्टमर का क्योंकि इतना बड़ा डिस्प्ले है नहीं कि हम लोग मतलब डिस्प्ले कर पाएँ, तो वो कैटलॉग के जरिए मतलब ज़्यादातर कस्टमर ऑर्डर देते हैं। ब्राइडल के लिए हमेशा कस्टमर डीकोई का ही फर्नीचर लेते हैं क्योंकि उसमें अपनी मर्ज़ी के कलर वगैरह वो बनवा सकते हैं। जैसे कार होती है, कोई चाबी वगैरह की वगैरह उसके ऊपर लग गई तो स्क्रैच आ जाता है। इसके अलावा अगर आप नाखून वगैरह इस पर लग जाता है तो उस चीज़ का स्क्रैच इस पर नहीं आता, नई कलर इसका पापड़ी बन के उतरता है। लाइफ तो अल्हम्दुलिल्लाह होती है 10 ईयर्स की, हम लोग वारंटी देते हैं। सबसे खास बात जो डीको के फर्नीचर की है वो यही है कि कीड़ा दिमाग नहीं लगता। प्लस इसमें जो वाइट कलर में पहले पीलापन आता था डीको में, वो चीज़ नहीं आती, और उसके अलावा पापड़ी बन के इसका कलर नहीं उतरता। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वक्त मौजूद हूँ आरामबाग फर्नीचर मार्केट के एक शोरूम में। यहाँ पे काफ़ी सारी और ज़बरदस्त किस्म के फर्नीचर की ब्राइडल साइट्स की वैरायटीज़ हैं। हम इसके बारे में आपको आज मालूमात देंगे, विज़िट कराएंगे, कौन कौन से यहाँ पे डिज़ाइन्स होते हैं और किन प्राइस में अवेलेबल है। हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ के समीर भाई होते हैं। अस्सलाम वालेकुम समीर। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक, अल्लाह का करम। अच्छा, सबसे पहले बताएं किन चीज़ों में डील करते हैं आप ना? यार, हम ब्राइडल फर्नीचर प्लस मॉडर्न फर्नीचर दोनों मतलब हिसाब से डील करते हैं। हर तरह के फर्नीचर हमारे पास अवेलेबल होते हैं। तुर्किश डिज़ाइन हो गए, मॉडर्न प्लेन बेडरूम सेट हो गए, तो जिस तरह का मतलब कस्टमर चाहते हैं उस तरह का बेड अवेलेबल होता है हमारे पास। ठीक है, बाकी कस्टमाइज भी है? जैसे कस्टमाइजेशन तो किसी भी फर्नीचर में हो जाती है जी। ठीक है, तो वैरायटीज दिखाएं, मैं वेस्ट को कौन सा सेट दिखा रहे हैं। ये वाला डिज़ाइन देखना हमारा तुर्किश फर्नीचर है ये डिज़ाइन कंप्लीट। इसमें क्राउन का भी काम दिया हुआ है, कुशन वर्क भी है, प्लस CNC का भी काम दिया हुआ है, और इसकी जो ड्रेसिंग है इसके बराबर में वो भी देख लें, बिल्कुल एक नए तरीके से बनाई हुई है। ड्रेसिंग में भी जो है रिवॉल्विंग मिरर दिया हुआ है, प्लस ये जितना भी इसमें वर्क दिया हुआ है ये सारा इसमें CNC की शीट का दिया हुआ है। इसके अलावा पेवल्ड गिलास का भी काम दिया हुआ है इसके अंदर। इसके अलावा जो साइड टेबल है उसका भी एक न्यू यूनिक लुक दिया हुआ है, उसमें भी जो है पेवल्ड गिलास का काम दिया हुआ है, सिंपल प्लेन शीशे नहीं लगाए हुए इसके अंदर। बेड में भी क्राउन का वर्क दिया हुआ है, बाकी फॉर्मिंग का भी इसमें काम आ रहा है। फॉर्मिंग में सारे तुर्किश इम्पोर्टेड कपड़ा होता है, मलाई कपड़ा, वो यूज़ करते हैं हम इसके अंदर। कबर्ड इसकी, ये सामने इसकी कबर्ड है, फोर डोर में कबर्ड है इसकी। इसमें भी पेवल्ड गिलास, फिर साइड से इसके देखेंगे तो राउंड शेप जा रहा है बिल्कुल, जिसपे CNC की प्रेसिंग दी हुई है। और स्पेस भी मतलब जो नॉर्मल कबर्ड होती है मार्केट के हवाले से 6 फीट की हमारे पास बनी हुई है, ये नॉर्मल से बड़ी कबर्ड है, थोड़ी सी किंग साइज कबर्ड है। वर्क हुआ हुआ सारा? हाँ, ये सारा CNC की शीट होती है, वो प्रेसिंग की हुई है इस पर, और प्लस ये कर्व स्टाइल में है, प्लेन में नहीं है, ये एक इसकी यूनिक। और इसका डिवाइडर? इसका डिवाइडर एट अ टाइम देखिए, डिवाइडर हम मौजूद नहीं रखते यहाँ पे। अच्छा, वो कस्टमाइजेशन मतलब कस्टमर के माइंड के हिसाब से मतलब वो बनता है, अलग अलग कैटेगरी के आते हैं डिवाइडर भी। प्लस इसका आप ये छोटा पल्ला देखेंगे ना, उसकी फिनिशिंग भी देख लें, उसमें जो नीचे क्राउन वर्क दिया हुआ है, सारे तुर्किश पाए लगे हुए हैं, प्लस इसका जो एक एक पट्टा है वो 5-5 प्लाइयों पर प्रेस किया हुआ है। फिर इसके प्राइस भी बताएं क्या? प्राइस इसके बना हुआ ये प्योर सॉलिड लासानी पे है, और इस पर कलर स्कीम भी अच्छी वाली की हुई है, हाई ग्लो सारा डीको है। तो ये जो तकरीबन एट अ टाइम अभी 3 पीस जो मेरे पास मौजूद हैं, ये विदाउट मैट्रेस हम लोग देते हैं। विदाउट मैट्रेस ये 3 पीस आपको 2,30,000 रुपये के पड़ेंगे, 230 का पड़ेगा। ठीक है, और अगर डिवाइडर में ऐड कराएंगे? डिवाइडर ऐड करोगे 25-30K तक का वो डिवाइडर इसमें अवेलेबल हो जाता है, ऐड हो जाता है। बाकी इसमें कुछ गुंजाइश होगी, कोई रेफरेंस है? जाहिर सी बात है आपके हवाले से जो भी आता है इंशाल्लाह कर लेते हैं, उसमें जो भी कॉम्प्रोमाइज होता है वो कर देते हैं। और कलर थीम वगैरह कोई चेंज करा? कलर स्कीम की तो कोई कैद नहीं है, XYZ आप कोई भी कलर करा सकते हो। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास कलर सैंपल्स भी पड़े होते हैं काफ़ी ज़्यादा LCD में, पिक्चर्स में,
तो कस्टमर के मुताबिक हम लोग कलर भी दिखा देते हैं। चलें ठीक है, ज़बरदस्त। इसके बाद एक ये वाला डिज़ाइन है, ये कस्टमर के ऑर्डर का हमने मतलब यहाँ पे डिस्प्ले किया हुआ है, कस्टमर ने ऑर्डर पे ये डिज़ाइन बनाया है। तो इसी तरह से कस्टमर अपनी मर्जी से भी कोई पिक्चर्स वगैरह लेकर आता है तो वो भी हम लोग सेम एज इट इज़ चीज़ बना के उनको अवेलेबल प्रोवाइड कर देते हैं। अच्छा, ये इसमें अलग से ये सीटी है, ये अलग से उन्होंने बनाई है, ये खुलने वाली मतलब सीटी बनती है, ये देख लें इसके अंदर भी स्पेस होता है, चॉइस पे बनाया है, कस्टमर की चॉइस पे ये भी बनता है। ठीक है ठीक। अच्छा इसमें बताएं क्या क्या चीज़ें। अच्छा इसमें भी ये इसका ड्रेसिंग है, ड्रेसिंग में भी आप जो मिरर वर्क इसका देखेंगे सारा पेवर्ड गिलास का काम दिया हुआ, मशीनी शीशे होते हैं, प्लस इसकी दराजों पे आप बारीकी के करीब से देखेंगे ना थोड़ा सा, तो सारा इस पर भी सीएनसी वर्क किया हुआ है। ये नॉर्मल प्लेन शीट नहीं है, सीएनसी की शीटेड डिज़ाइन आती है वो लगी हुई है। ये भी लासानी पे प्योर लासानी पे ज़्यादातर हमारा काम है। अच्छा इसके अलावा ये बेड है, बेड में भी आप देखोगे तो ये तुर्किश सारा कपड़ा लगा हुआ है इसके अंदर, जितना भी ये कुशन का इसमें वर्क दिया हुआ है प्रिंटेड है, उसके अलावा पेवर्ड गिलास है, प्लस सेंटर में आप देखोगे ये सारा ब्रास का वर्क दिया हुआ है, ये जो गोल्डन जितना भी काम दिया हुआ है। कबर्ड में भी जो सेंटर के मिरर है उस पर है ना सारा फ्रोस्टेड काम किया हुआ है, प्रिंट किया हुआ है, प्लस इसके अंदर का भी मैं दिखा देता हूँ आपको स्पेस। इसका अंदर भी कस्टमाइजेशन आपकी मर्जी से होती है, इसमें एक फोल्डिंग शेल्फ भी दी हुई है, इसके अलावा अंदर स्पेस भी ज़्यादा दिया हुआ है, मेल फीमेल बॉक्स होते हैं हैंगिंग के, और सेंटर में तो वही शेल्फ आती हैं, और बाकी लॉक वगैरह सारी चीज़ें किसकी क्वालिटी वाइज हाई क्वालिटी के लगते हैं। इसके अलावा कस्टमर मतलब अपनी मर्जी से भी बता सकता है, अगर जो उनको मर्जी के लॉक लगाने, जैसे कि कबर्ड उनको स्लाइडिंग करवानी है स्लाइडिंग में बन जाती है, लॉक भी लग जाते हैं, इसके अलावा हाइड्रोलिक सिस्टम कहते हैं कुछ कस्टमर आते हैं जो किचन वगैरह में यूज़ होता है, तो हाइड्रोलिक सिस्टम भी मतलब इसमें हो जाता है अवेलेबल है वो भी। ठीक है, तो अब ये थ्री पीस के क्या प्राइस है? ये जो थ्री पीस एट अ टाइम ये विदाउट मैट्रेस प्योर लासानी में 2,20,000 रुपये का पड़ेगा, और अगर फोर पीस डिवाइड रेट कराते हो तो 245। ठीक हो गया। इसके बाद हाँ, तो एक ये वाला डिज़ाइन है, ये भी काफ़ी मतलब अभी दुकान का जो सबसे एक्सपेंसिव बेड है वो यही वाला बेड है। हाँ, ये भी तुर्की के शोरूम का ही डिज़ाइन है, सेम एज इट इज़ वही चीज़ हमने यहाँ पे मतलब कॉपी की हुई है, बना हुआ ये भी प्योर लासानी पे है। ये इसका बेड है, बेड में सारा ये सी ग्रीन का कुशन लगा हुआ है, तुर्किश कपड़ा, प्लस इसकी जो कार्विंग जो क्राउन का वर्क है ना उस पर आप जूम करके देखें तो उसकी जो फिनिशिंग दी हुई है ये अलग मैार की दी हुई है, डबल शेडेड इस पर कलर दिया हुआ है सारा। ठीक है, इसके अलावा साइड टेबल पे भी आप देखें तो सारा फ्रोस्टेड प्रिंटेड काम दिया हुआ है ना इसके ऊपर। अच्छा, ये प्रिंट भी अपनी मर्जी से ही कस्टमाइजेशन हो सकती है, इसमें भी कस्टमर अपनी मर्जी से मतलब ये शीशों में डिज़ाइनिंग भी चेंज करवा सकता है, प्लस इसका जो डीको का कलर है ना वो भी प्लेन कलर नहीं है, इसको आप जूम करके देखेंगे क्या पता कैमरे में वाजे हो ना हो, सारा डबल शेडेड कलर है, एंटिक काम कहलाता है, ये ग्रे के ऊपर ब्लैक की एंटिक की हुई है इसके ऊपर सारी। इसकी कबर्ड भी बड़ी है नॉर्मल मतलब कबर्ड के मुकाबले में, ये तकरीबन 8 फीट की कबर्ड है, इसमें भी सेंटर में सारा मिरर वर्क दिया हुआ है, कस्टमाइजेशन इसमें भी मतलब आपकी मर्जी की बन जाएगी, फोल्डर कबर्ड होगी। ये इसका ड्रेसिंग आ गया, ड्रेसर भी जो इसका है वो किंग साइज़ में अभी अवेलेबल है, इसके अलावा कस्टमर के रूम की मेजरमेंट के हिसाब से भी बन जाता है फर्नीचर। हाँ, इसमें भी जो दिए हुए हैं साइड पे है ना सारे विक्टोरियन पाए दिए हुए हैं इसमें लंबे वाले, इसके अलावा 2 दराजे कॉर्नर पे हैं, 3 दराजे इसमें सेंटर में दी हुई हैं, इसमें भी सारा फ्रोस्टेड मिरर वर्क दिया हुआ है, ऊपर क्राउन वर्क दिया हुआ है। और ये क्या इसमें दिया हुआ है? ये इसकी सेठी मतलब अटैच सेठी बनी हुई है, एक तो आती है ना फोल्डिंग सेठी होती है अलग से जो ओपन होती है खुलने वाली स्पेस वाली, ये जो इसका ये छोटा कप्सर ही है इसका, उसके ऊपर मतलब सेठी नुमा ये डिज़ाइन बनी हुई है, लुक बना हुआ है। ये बेड का जो छोटा पल्ला होता है ना छोटा कप्सर, ये बेसिकली वो है अटैच ही है बेड के साथ। इस सेट के क्या प्राइस है? इस सेट के प्राइस ये तकरीबन 3 पीस जो है विदाउट मैट्रेस ही प्योर लासानी पे 3,40,000 रुपये के हैं। 3,40,000 जी, और अगर 4 पीस डिवाइड रेट कराते हो तो 370, 3,70,000 रुपये। इसके अलावा एक ये डिज़ाइन है, ये भी काफ़ी इन आइटम है, ये भी कस्टमर काफ़ी इसकी पिक्चर लाते हैं, काफ़ी इसकी डिमांड है इस फर्नीचर की, तो कस्टमर काफ़ी मरतबा ये आए हैं, काफ़ी मरतबा ये बनाए, अभी थोड़ा सा इनकम्प्लीट है, इसमें लाइटिंग फानूस वगैरह का काम बाकी है, फाइबर पे भी आप अगर जूम करके देखेंगे तो उसकी कार्विंग का काम भी बहुत आला दिया हुआ है, प्लस इसमें मिरर वर्क ज़्यादा है, मिरर के ऊपर इसमें है ना ये जितना भी काम है ना ये मिरर के ऊपर फाइबर अलग से लगी हुई है, इसको भी आप चाहो तो मतलब शीशे भी अपनी मर्जी के कलर के लगवा सकते हो और कलर स्कीम भी चेंज करा सकते हो फर्नीचर की आप। ड्रेसर में भी नीचे एक सिंगल दराज दी हुई है, ऊपर ज्वेलरी बॉक्स दिया हुआ है, इसके अलावा 2 कैबिनेट भी इसमें ऐड किए हुए हैं। अच्छा, इसमें ये सेटी अलग से है? हाँ, ये सेटी अलग से है, ये फोल्डिंग सेटी है, पर ये वही ओपन वाली खुलने वाली नहीं है, कस्टमर ने ओरिजिनल पिक्चर के मुताबिक बनवाई है इसको। और इसके 3 पीस के क्या प्राइस है? ये जो 3 पीस है ये मिक्स लासानी पे एट अ टाइम अभी बना हुआ है, ये जो तकरीबन 3 पीस है ये विदाउट मैट्रेस 2,20,000 रुपये के, कस्टमर चाहे तो उसको प्योर लासानी पे भी बनवा सकता है, प्योर लासानी के रेट थोड़े मुख्तलिफ हो जाते हैं। अभी किस पे बना हुआ है? अभी ये मिक्स लासानी पे बना हुआ है जी,
मिक्स लासानी से मुराद ये होता है मेन काम इसका लासानी का ही रहता है, जो इसका स्ट्रक्चर है ना वो भी न्यू बोर्ड ए ग्रेड की शीट का इसमें ऐड हो जाता है। ये कस्टमर की थोड़ी सी 20-25 हज़ार की बचत हो जाती है, तो वो मिक्स लासानी पे ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो इसकी लाइफ कैसी होती है? लाइफ वही है, 10 ईयर्स की वारंटी है, दोनों शीट ही है, न्यू बोर्ड की भी शीट है लासानी, सिर्फ कंपनी का फ़र्क है और रेटों का फ़र्क है दोनों शीटों में, तो उस वजह से 20-25K का उनको डिस्काउंट मिल जाता है मटेरियल चेंज कराने पर। तो ये एक डिज़ाइन है हमारे पास, ये सिंपल मॉडर्न कैटेगरी में आते हैं, ये मतलब हैवी ब्राइडल सेट में नहीं है, सोबर लुक में है, ज़्यादातर कस्टमर प्रेफर भी यही करते हैं सोबर लुक में होते हैं, सफाई वगैरह के लिए उनको आसानी होती है। अच्छा ये जो बना हुआ है इसमें भी सारा ये कुशन वर्क दिया हुआ है, कुशन वर्क के बैक साइड पर इसमें LED लाइट लगी हुई है, प्लस शीशे का इसमें वही काम है जो फ्रोस्टेड काम पीछे मैंने आपको दिखाया प्रिंटेड। ये कस्टमर अपनी मर्जी से भी कस्टमाइजेशन करवा सकता है, शीशे का कलर भी चेंज करा सकता है और फर्नीचर का कलर जो है वो भी इसको चेंज करवा सकता है ना, और डिज़ाइनिंग में भी कस्टमाइजेशन कस्टमर की चॉइस के ऊपर ही डिपेंड करता है। ये डिज़ाइन जो है ये भी प्योर लासानी पे ही बना हुआ है, और अभी एट अ टाइम इसके मेरे पास 2 पीस मौजूद है, बेड और ड्रेसर। जी ड्रेसर इसकी, ये ड्रेसर में भी डबल मिरर दिया हुआ है, ये दराजे दी हुई है यहाँ पे 4, ये दराजे हैं, इसके अलावा सेंटर में एक छोटी दराज दी हुई है, उसके बाद ऊपर एक दराज दी हुई है। अच्छा इसमें भी कस्टमर मेकअप बॉक्स मतलब ऐड करवा सकते हैं, ये स्पेस जो दिया हुआ है जी ब्यूटी बॉक्स ऐड करवा सकते हैं, या ज्वेलरी बॉक्स छोटा बनता है वो चाहें तो वो भी ऐड करवा सकते हैं। इसके अलावा कस्टमर काफ़ी ऐसे आते हैं जो मतलब नाम वगैरह भी लिखवाते हैं शीशों के ऊपर, प्रिंट करवाते हैं फ्रोस्टेड, तो वो भी आप करा सकते हो, यहाँ तक के मतलब पिक्चर तक भी आप इसमें बनवा सकते हो फ्रोस्ट के ज़रिए। जी अभी ये 2 पीस है आपके पास? अभी एट अ टाइम मेरे पास ये 2 पीस यहाँ पे मौजूद है, जो उसका कबर्ड और डिवाइडर है वो भी रेडी है, पर वो कारखाने में मौजूद है मेरे पास आगे। अच्छा ठीक है, तो इस 2 पीस के ही बताते हैं और उसके साथ भी बताते हैं। 2 पीस अगर प्योर लासाने पे ही अगर आप बनवाते हैं तो विदाउट मैट्रेस, मैट्रेस की अलग से ही बात होती है, तो जो 2 पीस हैं ये 1,60,000 रुपये के, और अगर 4 पीस में जाएंगे तो ये 2,10,000 रुपये का प्योर लासाने पे ही। प्योर लासाने जी। और इसकी साइड टेबल का भी थोड़ा बता दें। साइड टेबल में भी इसमें डबल दराज दी हुई है, इसके अलावा नीचे सारे पाए दिए हुए हैं इसके, इसमें भी स्पेस वही नॉर्मली जो स्पेस होता है वही दिया हुआ है, इसके अलावा सिंगल ड्रॉ भी आप बनवा सकते हो, डबल भी बना सकते हो। अच्छा इसमें भी ज्वेलरी बॉक्स का मतलब इजाफा हो सकता है ऊपर। अच्छा ये जो ग्लास वर्क इसमें हुआ है? ग्लास वर्क इसमें 2 तरह के किए हुए हैं, एक जो है इसमें फ्रोस्टेड शीशा लगा हुआ है प्रिंट वाला, और दूसरा जो है इसमें सारा ये गोल्डन PVC का काम दिया हुआ है इसके अंदर, ये शीशा नहीं है, ये PVC की एक शीट आती है वो यूज़ की हुई है इसके अंदर। अच्छा जी। अच्छा एक ये भी डिज़ाइन है, काफ़ी ज़्यादा कस्टमर मतलब जो डिमांड करते हैं आज कल के टाइम पे, वो ज़्यादातर इस तरह के बेड मतलब वो प्रेफर करते हैं ना, बिल्कुल प्लेन सिंपल सा बेड है, प्लस इसकी जो फिनिशिंग सारी है ये भी सारा कारपेंट जो पॉलिस्टर कोटिंग होता है वो सारा इसके ऊपर फिनिश दिया हुआ है ना, ना कुशन का इसमें वर्क है ना क्राउन का इसमें वर्क है, सिर्फ डबल फिगर इसमें दिया हुआ है, प्लेन कलर नहीं है ये, करीब से आप अगर इसको दिखाएंगे सारा डबल फिगर का काम दिया हुआ है इसके अंदर, प्लस फिनिशिंग भी इसकी बाकी सेटों के मुकाबले में अव्वल दर्जे की है। वुडन टेक्सचर दिया हुआ? हाँ जी सारा वुडन टेक्सचर दिया हुआ, पर ये डीको से ही बना हुआ है, हाँ डबल शेड में बने हुए हैं। इसके अलावा इसमें भी बेड में एक सिंपल सी LED लाइट दी हुई है, जिसमें कस्टमाइजेशन हो सकती है लाइट में भी। इसके अलावा ये इसकी साइड टेबल है, जिसमें हैंडल भी जो है ये वुडन हैंडल दिए हुए हैं, और इसके अलावा जो इसमें अंदर का जो फिनिश दिया हुआ है ना ये भी सारा डीको पेंट में ही अंदर का इसमें काम सारा फिनिश दिया हुआ है। ये मतलब बेडरूम सेट में बहुत कम लोग ही मतलब बनाते हैं, अंदर ज़्यादातर ऑयल पेंट या टोपले के इस्तेमाल होता है, क्योंकि ये एक्सपेंसिव पड़ता है अंदर डीको का काम भी। ये कितने पीस में? ये अभी एट अ टाइम मेरे पास 2 पीस में रखा हुआ है, बेड और ड्रेसिंग। ये इसका बेड हो गया, ये इसकी ड्रेसिंग है, ड्रेसिंग में अभी स्पेस के इशू की वजह से ये जो इसकी RC है ये मिरर जो है दीवार में हैंग होता है, अभी एट अ टाइम ऐसे ही रखा हुआ, हमारे पास स्पेस नहीं, और नीचे की जो इसकी बेस है वो सारी अलग दी हुई है इसकी ना, मतलब डबल शेड में आता है ये, डबल 2 पीस में आता है। ये इसकी ड्रेसिंग है, 3 ड्रॉ दी हुई हैं प्लस वुडन हैंडल, इसके अलावा 3 ड्रॉज के अलावा भी इसमें एक कैबिनेट भी दिया हुआ है, साइड कैबिनेट भी दिया हुआ है। इसमें भी आप चाहो तो साइड में इसमें मेकअप बॉक्स सेट करवा सकते हो, ज्वेलरी बॉक्स इसमें बनवा सकते हो, और ड्रेसिंग का भी मतलब लोग चाहो तो कस्टमाइजेशन करवा सकते हो। इसकी भी पिक्चर्स हमारे पास 3-4 अलग डिज़ाइन में मौजूद होती हैं LCD में। इसके अलावा ये इसके ड्रेसिंग का स्टूल रखा हुआ है बराबर में। इसके 2 पीस के प्राइस? ये जो 2 पीस हैं ये प्योर लासानी पे 1,70,000 रुपये के, 170 के विदाउट मैट्रेस। बाकी इसमें अगर
कबर्ड वगैरह ऐड कराएंगे। कबर्ड वगैरह अगर ऐड कराते हो, फोर पीस लेते हो, तो तकरीबन आपको 260 का पड़ेगा, 260,000 रुपए के फोर पीस विदाउट मैट्रेस। अच्छा समीर, डीको की क्वालिटी कैसी होती है? अक्सर लोग मालूम ले रहे होते हैं कि भाई कैसा है डीको है, उतर जाता है। ये चीज मैंने भी काफी नोट की है, कमेंट सेक्शन में अक्सर बहस चल रही होती है कि मतलब पॉलिश ज्यादा बेहतर है और डीको उतर जाता है। असल में वो जो पुराने ख्याल के ज्यादातर लोग है ना, तो उनको यही चीज लगती है कि जो डीको का काम है ये उतर जाता है। 2-2.5 लाख के फर्नीचर है तो डीको का मैार भी फिर इस तरीके का होता है जो उतरता नहीं है इतना जल्दी। सारा पॉलिस्टर कोटिंग होता है, जो कार वगैरह पे पेंट होते हैं उसके मतलब सारी कोटिंग इसके ऊपर चढ़ाई हुई होती है। पहले अलग तरीके का डीको आता था, वो लोकल कलर होता था, 18-20 हज़ार में पूरा फर्नीचर में कलर हो जाता था, तो 50-60 में तो आपको फर्नीचर मिल भी जाता था। अभी जाहिर सी बात है जहाँ फर्नीचर की प्राइस 2.5 लाख में पहुँच गई है, तो उसमें जाहिर सी बात है क्वालिटी में भी फ़र्क आता है। अच्छा, मतलब ये वाटर प्रूफ कह सकते हैं इसको? वाटर प्रूफ तो नहीं कह सकते, गीला कपड़ा तो आप यूज़ कर सकते हो इसमें, या पानी थोड़ी देर रहा इस पर लगा भी रहे तो कोई इशू नहीं होता उसमें। पानी से इसकी एहतियात करनी पड़ती है। इसके अलावा तो शीशे का काम भी दे देते हैं, टॉप वगैरह जितने होते हैं वहाँ पे हम लोग शीशे लगा देते हैं, ताकि मतलब कोई गीली चीज़ अगर रख भी दें बे एहतियाती में तो वो चीज़ ख़राब ना हो। मतलब लाइफ होती है डीको की भी? लाइफ तो अल्हम्दुलिल्लाह होती है, 10 ईयर्स की हम लोग वारंटी देते हैं, कीड़ा दिमाग नहीं लगता। इसमें सबसे खास बात जो डीको के फर्नीचर की है वो यही है कि कीड़ा दिमाग नहीं लगता। प्लस इसमें जो वाइट कलर में पहले पीलापन आता था डीको में, वो चीज़ नहीं आती। और उसके अलावा पापड़ी बन के इसका कलर नहीं उतरता। एक ये डिज़ाइन भी हमारे पास अभी अवेलेबल है, इसमें है तो बिल्कुल सोबर प्लेन डिज़ाइन ही, जिसमें 2 कुशन का वर्क दिए हुए हैं इसके अंदर ना, और इसकी कलर स्कीम भी जो है वो भी सारी पॉलिस्टर कोटिंग पे बनाई हुई है और बना हुआ ये सॉलिड लासानी के अंदर है। प्लस इसकी साइड टेबल का भी आप लुक देखेंगे अगर करीब आके दिखा पाएं, इन द एयर है साइड टेबल भी, कम्प्लीट लेयर स्टाइल में। इसमें दराज, इसमें स्पेस छोटा दिया हुआ है, पर इसकी जो मतलब लुक है फ्रंट से मतलब देखने से या सामने से देखने से पता चलेगी, वो लुक इसकी मतलब काफ़ी आला दी हुई है इसकी। ये भी 2 पीस में है? अभी एट अ टाइम मेरे पास ये 2 पीस में ही मौजूद है। इसकी जो कबर्ड है वो बाहर रखी हुई है, वो मैं दिखा दूंगा आपको वो भी। अच्छा, ये इसकी ड्रेसर है, ड्रेसर भी जो दी हुई है डबल मिरर के साथ दी हुई है, एक इसमें हाफ मिरर है, एक इसमें फुल मिरर है। प्लस ये इसमें देखेंगे तो साइड टेबल के पैटर्न इसमें कॉपी दिया हुआ है जो कम्प्लीट लेयर स्टाइल में जा रहा है। इसकी भी फिनिश सारी पॉलिस्टर कोटिंग है, हाई ग्लोज जो कार वगैरह पे पेंट होता है उसकी इसमें फिनिश दी हुई है। प्लस इसमें भी एक साइड पे 3 दराज, एक साइड पे 1 दराज दिए हुए हैं। अच्छा, इसके अलावा ये जो स्पेस दिया हुआ है ये ज़्यादातर इसमें कस्टमर मेकअप बॉक्स पे बनवा लेता है, जिसमें खुलने वाली भी या स्लाइडिंग मेकअप बॉक्स भी अवेलेबल होता है इसमें। ठीक है, कलर थीम इसमें भी चेंज हो गई? कलर थीम इसमें वही जो मैंने आपको बात बताई ना, अभी 3-4 कलर हमारे पास ऑलरेडी रखे हुए होते हैं LCD में जो होते हैं, जो पिक्चर के जरिए हम कस्टमर को दिखा देते हैं। ठीक है, ये कुशन वर्क होगा? ये इसमें कुशन वर्क दिया हुआ है, कुशन का कलर आप चाहो, बटन्स का कलर चाहो या कंट्रास्ट चाहो, आप इसमें कोई भी XYZ अपनी मर्जी से भी करवा सकते हैं। अच्छा, उसका भी जो तरीक़ेकार है कलर वगैरह जो चेंज कराते हैं, उसमें भी कस्टमर जो कलर बोलता है XYZ हमें, उसका पहले हम उनको सैंपल बनवा के दिखाते हैं। जी, जैसे कि साइड टेबल पे कलर करके दिखा दिया, कस्टमर अगर ओके करता है तो उसके बाद जाके हम लोग फर्नीचर पे कलर अप्लाई करते हैं। ठीक हो गया। इसके क्या प्राइस है? ये प्योर लासानी पे ही बनता है। ये जो 4 पीस का सेट है विदाउट मैट्रेस 2,20,000 का पड़ता है। ये चारों चीज़ें विदाउट मैट्रेस गद्दे के बगैर बना हुआ, ये भी सॉलिड पे ही है। अच्छा, उसमें क्या क्या इंक्लूड होगा? 4 डोर की बेड होता है, 4 डोर कबर्ड होती है, ड्रेसिंग इसकी ये सामने रखी हुई है, साइड टेबल होती है और एक डिवाइडर जो शोकेस होता है। एक ये वाला डिज़ाइन भी है जो अभी मेरे पास एटा टाइम शोरूम में सबसे मुनासिब कीमत में ये वाला डिज़ाइन रखा हुआ है ना, इसमें भी सारा ये लेयर स्टाइल में कुशन वर्क दिया हुआ है, इसके बाद ये सारे गोलों का काम है और इसके अंदर भी हल्का सा क्राउन मतलब लुक दिया हुआ है एक, जिसमें आप देखेंगे तो राउंड इसमें मिरर दिया हुआ है, ये फ्रोस्टेड मिरर ही है, प्रिंट दिया हुआ है इसके अंदर। इसके अलावा ये इसकी साइड टेबल भी नॉर्मल साइड टेबल्स के मुकाबले इसकी साइड टेबल बड़ी है, 3 ड्रो साइड टेबल में दिए हुए हैं। फिर इसके अलावा टॉप पे इसमें LED लाइट का काम दिया हुआ है, प्लस यहाँ पर जो रिंग है मिरर के पीछे इसमें भी LED लाइट का काम दिया हुआ है। दूसरी साइड टेबल जो इसकी है, इस वाली साइड टेबल से थोड़ी सी मुख्तलिफ है, डबल दराज दी हुई है, ऊपर इसमें LED लाइट दी हुई है, दोनों साइड टेबल्स के लुक थोड़े से मुख्तलिफ हैं। प्लस इसमें ये आगे सेठी दी हुई है, ये भी कस्टमर अपनी मर्ज़ी से कस्टमाइजेशन करवा सकते हैं। अभी ये ओपन खुलने वाली बनी हुई है, जिसमें अंदर स्पेस दिया हुआ है। अच्छा, ये इसकी ड्रेसिंग है, अभी तो ड्रेसिंग की हाइट थोड़ी ज़्यादा ऊपर है, अभी इस वजह से ये फिट नहीं की हुई क्योंकि जगह का इशू है हमारे पास ना। यहाँ फ्रंट पे इसके कम्प्लीट एक शीशा लगता है, शीशे की लेयर आती है। इसके अलावा आप साइड पे देखेंगे तो ये राउंड शेप में यहाँ पे 3 दराजें दी हुई हैं। इसके अलावा ये एक ओवल बना हुआ है, यहाँ पे 2 दराज दी हुई है। प्लस जो मिरर का इसमें काम है वो भी कंप्लीट ओवल शेप में, राउंड शेप में दिया हुआ है इसका, जिसके पीछे भी अभी LED लाइट ऑन नहीं है, ऑन होकर बता सकूँ तो मैं आपको दिखा दूँगा, LED लाइट इसमें लगती है बैक साइड पर। इसकी ड्रॉज ओपन करिए, इसकी ड्रॉज 3 ड्रॉज यहाँ पर हैं। इसके अलावा जो है
दो ड्रॉ यहाँ पे दी हुई है। इसकी कबर्ड स्लाइडिंग कबर्ड है, अभी एट अ टाइम वो मेरे पास मौजूद नहीं है। कस्टमर चाहे तो मतलब किसी भी जो भी एक्स वाई ज़ेड डिज़ाइन दिखाएं, स्लाइडिंग कबर्ड उसमें बना सकते हैं, डिज़ाइन की मैचिंग की मतलब हम लोग उसमें कबर्ड में दे देते हैं। ठीक है, तो ये फोर पीस, ये जो फोर पीस है ये विदाउट मैट्रेस बना हुआ कम्प्लीटली न्यू बोर्ड की शीट पे, ये लासानी पे नहीं है। पर ये फोर पीस का जो सेट है ये तकरीबन 155,000 की रेंज का आपको पड़ेगा, जिसमें मैट्रेस शामिल नहीं होगा, गद्दा अलग से होगा इसमें। एक ये वाला डिज़ाइन हमारे पास रखा हुआ है, ये सोबर प्लेन डिज़ाइन में ही आता है, अभी ये ब्लैक कलर में बनाया हुआ है। इसके अलावा इसमें जितना भी ये वाइट काम नज़र आ रहा है ना, ये सारा इसमें पीवीसीसी का काम दिया हुआ है, जो सीएनसी की शीट होती है ना वो शीट लगी हुई है इसमें। कलर भी इसमें सारा ब्लैक हाई ग्लोस दिया हुआ है, जेड ब्लैक में दिया हुआ है। इसके अलावा साइड टेबल में जो आप देखेंगे जो ब्लैक जो मिरर वर्क दिया हुआ है, ये भी सारा मिरर के ऊपर ही ब्लैक कलर दिया हुआ है और मिरर के ऊपर मिरर का वर्क दिया हुआ है, इसमें डिज़ाइनिंग बनी हुई है। इसके अलावा गोल्डन जितना भी इसमें काम आ रहा है ये सारा इसमें पीवीसी का काम दिया हुआ है। इसके अलावा इसका आप साइड टेबल का भी लुक देखेंगे, उसमें भी सीएनसी की शीट का काम दिया हुआ है। कलर्स की देखेंगे तो सारा रिफ्लेक्ट वाजे होगा आपको, ब्लैक कलर इस मैार का दिया हुआ है इसके अंदर, और नीचे जितने भी हैं वो सारे एसएस के पाए दिए हुए हैं इसके अंदर। ये एसएस के पाए हैं जिनके ऊपर डीको दिया हुआ है। ये कितने पीस में है भी आपके? ये अभी एट अ टाइम मेरे पास टू पीस में ही मौजूद है, बेड और ड्रेसर में। ड्रेसर इसकी ये रही, ड्रेसर में भी काफ़ी ज़्यादा दराजें दी हुई हैं। इसके अलावा इसमें एक मेकअप बॉक्स भी दिया हुआ है, यहाँ पे ब्यूटी बॉक्स ये देख लें। इसके अलावा दराजों की भी बात करें तो चार दराजे एक साइड पे दी हुई हैं, यहाँ पे जो है ये एक कैबिनेट दिया हुआ है और सेंटर में भी इसमें टू ड्रॉर्स दिए हुए हैं, यहाँ पे भी टू ड्रॉर्स दिए हुए हैं जिनमें स्पेस भी काफ़ी ज़्यादा है। और ये जो हुआ पीवीसी है, ये सारे ये गोल्डन जो है ये अभी तो गोल्डन डीको का काम है, ये जो है ये सीएनसी की शीट कहलाती है, डिज़ाइनिंग शीट होती है। ठीक है, और डीको कैसा इसका? डीको सारा इसमें पॉलिस्टर कोटिंग ही दिया हुआ है, ब्लैक और गोल्ड कलर का। तीन चार अलग अलग किस्म के इसमें काम दिए हुए हैं, इतना हैवी सेट भी नहीं है, क्राउन भी नहीं बने हुए, ब्लैक और गोल्डन का कंट्रास्ट दिया हुआ है। इसके अलावा पीवीसी की शीट, एक्रेलिक का काम दिया हुआ है इसके अंदर, नीचे इसमें एसएस के पाए दिए हुए हैं, नॉब्स वगैरह हैंडल वगैरह सारे इसमें इम्पोर्टेड लगे हुए हैं। ठीक है, और इसके प्राइस? इसके प्राइस जो है बेड ड्रेसिंग के जो ये प्राइस हैं वो विदाउट मैट्रेस 140 प्योर लासानी पे जी, और अगर फोर पीस कस्टमर बनाता है तो कबर्ड के साथ और डिवाइडर के साथ ये आपको 210 के पड़ेंगे, 2,10,000 रुपये के। 2,10,000? अच्छा, वो सारे आपके डीको ही का फर्नीचर होता है? ज़्यादातर हमारे पास देखें एट अ टाइम डिस्प्ले जितने भी होते हैं वो डीको का होता है, ज़्यादा प्रेफर भी हम डीको ही करते हैं, क्योंकि ब्राइडल लुक में शादी के फर्नीचर में डीको ही आता है। प्लेन फर्नीचर जो आता है वो पॉलिश में ज़्यादातर मतलब जो कस्टमर घर के यूज़ के लिए लेते हैं वो पॉलिश की तरफ जाते हैं, ब्राइडल के लिए हमेशा कस्टमर डीको का ही फर्नीचर लेते हैं, क्योंकि उसमें अपनी मर्ज़ी के कलर वगैरह वो बनवा सकते हैं। पॉलिश के भी हम बनाते हैं पर मेक टू ऑर्डर एट अ टाइम, हाँ डिस्प्ले में रेडी नहीं पड़े होते हमारे पास। ठीक है, इसके अलावा एक ये बड़ा खूबसूरत सा सेट नज़र आ रहा है। हाँ, ये कस्टमर ने असल में ऑर्डर पर बनवाया है, ये इसका बेड का लुक है, अभी ओपन नहीं रखा हुआ, फिट नहीं किया हुआ है इसमें, तो ओपन रखा हुआ है ये। इसमें भी आप देखेंगे तो सिंपल सा सिर्फ जेड नुमा बना हुआ है बस, जिसमें फिगर्स के काम दिया हुआ है, बिल्कुल सोबर लुक में है, अभी तो फिट नहीं है। जब एक कमरे में रूम में प्रॉपर फिट डिस्प्ले होता है उसके बाद जाके इसकी खूबसूरती का अंदाज़ा होता है। अच्छा, ये मेक टू ऑर्डर किया है यानी कि डिज़ाइनिंग आप ही की थी या कस्टमर? डिज़ाइनिंग हमारी खुद की थी, हमारे पास एलसीडी में तकरीबन 3,000 से ज्यादा डिज़ाइनिंग मौजूद होती है। कस्टमर का क्योंकि इतना बड़ा डिस्प्ले है नहीं कि हम लोग मतलब डिस्प्ले कर पाएँ, तो वो कैटलॉग के ज़रिए मतलब ज़्यादातर कस्टमर ऑर्डर देते हैं। अच्छा, ये स्लाइडिंग में? नहीं, स्लाइडिंग नहीं है, ये अभी एट अ टाइम खुलने वाली बनी हुई है, वो उसकी असल में है ये 8 फीट पे बनाई है कस्टमर ने, इस वजह से इसका लुक इस तरीके का दिया हुआ है। बाकी हैंडल वगैरह इसमें वहीं लगेंगे, वहाँ पे जो फिट होगा? हाँ, हैंडल वगैरह तो घर पे जाके लगते हैं, वही बात है ना, असल में कस्टमर के ऑर्डर का है, तो हैंडल कस्टमर आके पहले पसंद करेगा, वो अपनी मर्जी के इसके अंदर हैंडल लगवाएगा। एक इसकी ये दराज है और ये इसका कैबिनेट दिया हुआ है, एक कैबिनेट और एक दराज दी हुई है इसके साथ। बाकी इसमें कुछ नहीं लगना अभी ऊपर? ये बिल्कुल सोबर लुक में आता है, इसमें साइड टेबल में पैनल वगैरह नहीं बनते। और ये क्या है इसका? अच्छा, ये इसका चेस्टर है, कुछ कस्टमर होते हैं बनाते हैं कमरे में ड्रॉ की ज़्यादा उनको नीड अगर होती है तो ये चेस्टर बनता है, ये चेस्टर है। इसके बराबर में जो है ड्रेसिंग दिया हुआ है, ड्रेसिंग में भी उन्होंने ड्रॉ काफ़ी ज़्यादा इजाफा कराया है। इसके अलावा मेकअप बॉक्स भी उन्होंने दिया हुआ है स्लाइडिंग, ये इसका मेकअप बॉक्स है, यहाँ पर जो है कैबिनेट दिया हुआ है इन लोगों ने, ये इसका कैबिनेट आ गया। इसके अलावा तीन बड़ी दराजें यहाँ पे और दो छोटी दराजें ज्वेलरी के लिए यहाँ पे दी हुई हैं सेंटर में। इसके अलावा ऊपर भी इसमें काफ़ी ज़्यादा स्पेस दिया हुआ है, मेकअप वगैरह सजाने के लिए, डिस्प्ले के लिए, शोपीस वगैरह के लिए काफ़ी ज़्यादा स्पेस दिया हुआ है इसमें। फोर पीस में फिर बेड, साइड टेबल, ड्रेसिंग कवर, डिवाइडर होता है, चेस्टर वगैरह के ये सबके अलग चार्जेस होते हैं। तो फोर पीस के जो हैं विदाउट मैट्रेस ये 230, 2,30,000 रुपये विदाउट मैट्रेस।
बना हुआ ये सॉलिड प्योर लासानी पे ही है, कलर इसमें वही चीज़ दी हुई है, पॉलिशर कोटिंग कंप्लीट स्क्रैचलेस होता है ये, मतलब जब तक कोई नोकीली ज़्यादा तेज़ चीज़ ना लगे ताकत से तब तक इसमें स्क्रैच नहीं आता, यानी कोई भी मेडल के जैसे रखने में स्क्रैच आते वो नहीं आएंगे। समझ लेना जैसे कार होती है कोई चाबी वगैरह की वगैरह उसके ऊपर लग गई तो स्क्रैच आ जाता है, इसके अलावा अगर आप नाखून वगैरह इस पर लग जाता है तो उस चीज़ का स्क्रैच इस पर नहीं आता, नई कलर इसका पापड़ी बन के उतरता है। प्लस इसमें आप देखेंगे ना करीब तो उसमें भी काफ़ी बारीकी से एंटिक का काम दिया हुआ है, ब्राउन के ऊपर डबल शेडेड कलर है, ये चाहें तो आप पूरे बेड में भी अप्लाई कर सकते हैं पर कंट्रास्ट में ज़्यादा प्यारा लगता है ये। अच्छा एक ये डिज़ाइन भी है, ये प्लेन बेड तो है ही, इसके साथ साथ इसमें कुशन का काम भी दिया हुआ है, इसके छोटे पल्ले से लेके बड़े कपसर तक कंप्लीट इसमें फोमिंग का काम दिया हुआ है, सारा इसमें तर्किश इंपोर्टेंट कपड़ा लगा हुआ है ना। बेड में इसमें सेंटर में सिर्फ सिंपल से एक बंच दिया हुआ है, इसके अलावा कुशन वर्क है, साइड पे इसके गोले दिए हुए हैं, जो इसके हैंडल्स हैं जो नॉब्स वगैरह लगते हैं उसके बैक साइड पे इसमें वुडन की सारी डिज़ाइनिंग दी हुई है। इसमें भी कलर स्कीम 8-9 तरह के अलग अलग ये कलर में बनता है और जिसकी पिक्चर्स मेरे पास मौजूद है LCD में, जो कस्टमर आएगा वो भी दिखा देंगे। इसके अलावा इसका ड्रेसिंग जो है ये भी काफ़ी मतलब ना यूनिक स्टाइल में बनाया हुआ है, बज़ाहिर तो ये बिल्कुल सिंपल सा डिज़ाइन है, प्लस इसमें अगर ये देखेंगे तो इसमें स्लाइड होने के बाद बैक साइड पर इसके मेकअप बॉक्स दिया हुआ है, उसके अलावा भी नीचे इसमें 3 दराजें दी हुई हैं, इसके अलावा नीचे सारे इसमें विक्टोरियन पाए दिए हुए हैं। और इसका कबर्ड, कबर्ड इसका स्लाइडिंग भी बनता है, खुलने वाला भी बनता है, अभी मेरे पास खुलने वाला मौजूद है 4 डोर में ना। अभी ये 4 पीस में 3 पीस में आपके पास? अभी एट अ टाइम मेरे पास ये 4 पीस में मौजूद है और 4 पीस के जो इसके रेट हैं बना हुआ ये प्योर लासानी पे ये है, विदाउट मैट्रेस ये आपको प्योर लासानी में जो पड़ेगा वो 210 की रेंज का पड़ेगा, ये 210 की 4 पीस में, 4 पीस में बेड ड्रेसिंग कवर्ड और डिवाइडर साइड टेबल इसके बेड के साथ ही अटैच होती है। अच्छा समीर एड्रेस भी बता दें अपने शोरूम का, यहाँ किसी ने विजिट करना होगा। अच्छा तो ये आरामबाग फर्नीचर मार्केट में MAJNA रोड पे है, कोसर मेडिको के बैक साइड पे। अब आरामबाग फर्नीचर मार्केट में मेन आरामबाग मस्जिद के पास आके किसी से भी पूछ लेंगे, अलहनान इंटीरियर शोरूम का नाम है, तो यहाँ पे इंशाल्लाह आप आ जाएं तो दूसरे शोरूम पे भी हम खुद ही यहाँ से विजिट करवाते हैं आपको, क्योंकि दूसरे शोरूम पे प्राइवेसी होती है, हर किसी को जाने के मतलब अलाउ नहीं होता वहाँ पे। अच्छा इसके अलावा बहुत सारे डिजाइनिंग हैं आपके पास? हमारे पास देखिए डिस्प्ले में तो आपने देख लिया 10-12 बेड डिस्प्ले किए हुए हैं, इसके अलावा जो है सारा कैटलॉग का हमारा ज़्यादातर जो 90% काम है वो कैटलॉग के जरिए, 2 ऑफिस बने हुए हैं, कस्टमर को अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है तो उसके बाद हम लोग मतलब उनको दिखा देते हैं LCD पे उनकी पसंद की चीज़। ऑर्डर के बाद कितने दिन में डिलीवर कर देते हैं आप? तकरीबन ऑर्डर जो हमें अगर आपको देना है, कस्टमाइजेशन आपको ज़्यादा करानी है, वो फर्नीचर के ऊपर डिपेंड करता है, कमोबेश 1 महीना, ज़्यादा से ज़्यादा 3-3 महीने लग जाते हैं फर्नीचर बनने। अर्जेंट चाहिए तो डिस्प्ले में, अर्जेंट चाहिए तो डिस्प्ले में एट अ टाइम हमारे पास ये रेडी होते हैं फर्नीचर, तो वो हम आपको मतलब दे सकते हैं, पर उसमें ये बात है ना आप कस्टमाइजेशन नहीं करवा सकते अपनी मर्जी की, जो चीज़ आपके सामने मौजूद है, साइज़ जो आपके सामने मौजूद है किंग साइज़ का हमारे पास होता है वही आपको मतलब मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा अगर कोई अदर सिटी वाला को रब्ता करना चाहे तो ऐसा कोई पॉसिबल है कि आप पहुँचा दें? अगर रब्ता करना चाहे तो उनको एक मरतबा तो विज़िट करना पड़ेगा, क्योंकि पिक्चर्स में और सामने से देखने में फ़र्क वाजे हो जाता है दोनों चीज़ों में, तो फिजिकली विजिट कर लें, विजिट कर लें ज़्यादा बेहतर है, अपनी आंखों के सामने अपनी चीज़ देखें। और हमारे पास जितना भी काम होता है ऑर्डर देने से लेके फर्नीचर फिट होने तक कंप्लीट कस्टमर की निगरानी में ही होता है, हम जिसमें स्ट्रक्चर भी चेक करवाते हैं, कलर के सैंपल बना के भी कस्टमर को दिखाते हैं, हमारे कारखाने में भी जाने की उनको मतलब इजाज़त होती है, अलाउ होता है उनके पास, तो वहाँ पे जाके वो विज़िट कर सकते हैं। क्योंकि हमारे व्यूअर्स जो है वो अदर सिटी के भी हैं, तो अगर वो आएँ विज़िट करें पसंद करके चले आएँ, वो कहते हैं कि यार हमें पहुँचा दे। हाँ पहुँचाने का काम हम लोग कर देते हैं, वो सारी जिम्मेदारी हम लोग उठा लेते हैं, रेंट उसका मतलब ऐड हो जाता है, तो बाकी हम लोग अदर सिटी में भी पहुंचा देते हैं, अदर सिटी में काफ़ी हमारे मतलब फर्नीचर जा चुके हैं जी। इसके अलावा जो प्राइस बताएं इसमें कुछ कमी बेशी होगी कोई विजिट पे? तो निगोशिएशन जितनी भी है वो इंशाल्लाह आपके मतलब उससे आएंगे, तवस्सुस से आएंगे तो हम लोग उसमें कर लेंगे। काफ़ी कस्टमर अल्हम्दुलिल्लाह आए भी हैं और खुश होके गए, ऐसा नहीं हुआ कि मतलब उदास हो गए यहाँ से चले गए, खुश होके गए। पहले वाली वीडियो का रिस्पांस भी यानी कि अच्छा आया था माशाल्लाह से, बहुत अच्छा था पहले वाली वीडियो का भी इंशाल्लाह इसमें। और उसमें तो हमने 4 उसमें सेट दिखाए, उसमें तकरीबन 10-12 सेट दिखाए हमने। हाँ इसमें ज़्यादा सेट दिखाए इसी वजह से क्योंकि पिछली वीडियो का रिस्पॉन्स बहुत अच्छा था, माशाल्लाह आपको और तरक्की दे आपके चैनल।